अलवर शहर के धोबी गट्टा क्षेत्र के बच्चे बजरंगबली बनकर रोड पर आ गए। उनके साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने आकर रोड जाम कर दिया। मामला प्रताप पल्टन में शिव हनुमान मंदिर का रास्ता खुलवाने का है, जो 2 साल से बंद है। इस कारण शुक्रवार को राव तुलाराम सर्किल पर जाम लगा दिया। 9 बच्चे बजरंगबली बनकर पहुंचे थे, हाथ में गदा और मुंह में जय श्री राम के नारे। बच्चों ने कहा कि 2 साल से चुंगी वाले हनुमान मंदिर का रास्ता बंद है, उसे खुलवाया जाए। महिलाओं ने कहा कि सब जगहों के मंदिर खुले हैं तो उनका बंद क्यों है। सेना की तारबंदी के कारण मंदिर जाने का रास्ता बंद है। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी रास्ता नहीं खुला तो रोड जाम करना पड़ा। पहले कलेक्टर के चैम्बर के बाहर बैठे थे। 18 दिन पहले अलवर नगर परिषद के वार्ड 3 व 4 के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वहां कार्यवाहक कलेक्टर वंदना खोरवाल ने चैम्बर के बाहर धरना दिया था। उस समय कार्यवाहक कलेक्टर ने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस कारण अब वापस यहां के लोग विरोध जताने के लिए रोड जाम करने पहुंच गए। यहां आए लोगों ने कहा कि 2 साल पहले सेना ने खुद की जमीन पर तारबंदी की है, वहीं शिव हनुमान मंदिर बना हुआ था। सालों से लोग पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले सेना ने जमीन पर पूरी तारबंदी कर दी। जब तारबंदी की तो यह कहा गया था कि मंदिर के लिए रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद से ही आमजन का मंदिर जाने का रास्ता बंद है। मंदिर का रास्ता खुलवाने के लिए वार्ड के लोग धरने पर भी बैठे हैं। वार्ड के लोग पहली बार कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उनको 15 दिन का समय दिया गया था। दूसरी बार में 10 दिन का समय दिया गया, लेकिन मंदिर का रास्ता नहीं खुला है। इस कारण अब रोड जाम किया गया है। उस समय ADM सिटी ने कहा था कि सेना की जमीन का मामला है, फाइल केंद्र सरकार तक जाएगी, उसके बाद समाधान निकलेगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।